स्मूथ मसल्स को अगर हम समझना चाहें तो स्मूथ मसल्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनका दिखता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में स्ट्रक्चर क्योंकि उनका डिफरेंट है, इसी वजह से वो अलग अलग बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं। क्योंकि आउटर कवरिंग हमेशा हार्ड होगी तो वो अंदर प्रोटेक्ट कर पाएगी अंदर के ऑर्गन्स को, लेकिन इंटरनल अगर बहुत हार्ड हो जाएगा तो मूवमेंट उसका बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब कि मूवमेंट में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्मूथ मसल्स जो हैं जिनसे मिलकर आपके ऑर्गन की आउटर वॉल्स बनी हुई होती हैं और आपके मसल्स जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। और इसमें अगेन वही चार चीजें मिलती हैं, न्यूक्लियस मिलेगा, सेक्रोप्लाज्म मिलेगा, मायोफिब्रिल्स इसमें भी होंगे जिनकी वजह से ये एक्सटेंशन हो पाएगा। मायोफिब्रिल्स के अंदर यहाँ पर भी आपके थिन और थिक फिलामेंट्स होंगे और सेक्रोल्यूमिनर मटेरियल, ये इस तरह की सेक्रोल्यूमिनर वॉल आपकी पर्टिकुलर हर एक सेल की होगी। तो जितना ये पूरा स्ट्रक्चर स्मूथ मसल्स का है इसमें आप देखें तो स्ट्रिएशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जिस तरह से आपका स्केलेटल मसल्स में हमने देखा कि एक के अंदर एक छोटा, फिर उस छोटे के अंदर और, उस छोटे के अंदर और, मतलब किसी एक चीज से मिलकर, एक चीज के काफी सारे मटेरियल से मिलके माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल के काफी सारे स्ट्रक्चर से मिलके तब जाके आपका एक फाइबर बना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर एक सेल है पूरा जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसकी अपनी एक वॉल है, लेकिन उसके बगल में एक दूसरा सेल है, इसका अपना एक न्यूक्लियस है, अपनी एक वॉल है, और ये सब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं। इन स्मूथ मसल्स में जो फाइबर्स हैं वो इन स्मूथ मसल्स में जो फाइबर्स हैं उनका स्टिरेशन स्केलेटल मसल्स के मुकाबले काफी कम होता है, जबकि स्मूथ मसल्स में इनवॉलेंट्री कंट्रोल ज्यादा होता है, यानी कि हमारी इच्छा के बिना ही वो अपना काम करते रहते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी। इंडिविजुअल जो सेल्स हैं जो स्पिंडल शेप्ड में है वो सेंट्रली, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। आप अगर ध्यान से देखें ये जो एक शेप है किसी एक पर्टिकुलर सेल की, पत्ती जैसी जो ये शेप है इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं, और इस शेप में यानी कि इस पर्टिकुलर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। जबकि वहां पे क्या था आपका माइक्रोफाइबर जो था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, यहाँ पर आपका जो स्मूथ मसल का फाइबर है इनवॉलेंट्री जो वर्क कर रहा है ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है और जितने भी ऑटोमेटिक वर्क आपकी बॉडी में होते हैं बिना आपकी इच्छा के उनको कंट्रोल करता है। तो ये मसल्स भी उन्हीं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में चलती हैं। और अगर आपको ध्यान हो सेल में भी हमने बात करी थी जो हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम होता है वो बायोलॉजिकल रिदम भी नर्वस सिस्टम से ही कनेक्टेड है। तो बेसिकली आपका ये जो पूरा सिस्टम है स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन है वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ही कनेक्टेड है जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर सेम, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल की हमने बात करी है तो माइक्रोफिब्रिल का स्ट्रक्चर तो सेम वैसे होगा जैसा पीछे, उसमें थिक थिन फिलामेंट्स होंगे, थिन फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन होगा, थिक फिलामेंट्स के अंदर मायोसिन होगा, ये पूरा अरेंजमेंट सेम वैसा ही होगा। तो जितने भी एग्रीगेट माइक्रोफिलामेंट्स इसमें हैं वो भी एक्टिन और मायोसिन से मिलकर ही बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिलामेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं होते हैं, जबकि पीछे स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा, स्केलेटल मसल्स में सॉरी, कि जो ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये भी आपके एक पर्टिकुलर सैक्रोमेयर में एक पर्टिकुलर लाइन में अटैच थे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो डार्क डार्क लाइन्स आप देख रहे हैं ये माइक्रोफिब्रिल्स की हैं, ये जो इस तरह के शेडिंग वाले लाइंस आपको दिख रहे हैं ये माइक्रोफिब्रिल्स हैं। तो ये पर्टिकुलर एक अलाइनमेंट में नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, इनका अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्डर में नहीं होता है स्मूथ मसल्स के अंदर, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही वो सैक्रोमेयर के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन में ही अरेंज रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। इसके बाद अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स भी आपके नर्व्स और हार्मोन्स से इन्फ्लुएंसेस रहती है, लेकिन यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इन कार्डियक मसल्स का अपना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो आपकी बॉडी में उन पर्टिकुलर इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं।
इस वजह से ये मसल्स जो हैं अपने आप में अलग हैं, इनका जो टाइप है वो एक अलग टाइप है। तो ये मसल्स कुछ इस तरह के होंगे, आप देख रहे होंगे इनमें ब्रांचिंग भी हो रखी है जो कि स्केलेटल मसल्स में नहीं थी। इनमें न्यूक्लियस भी, सेल अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही ब्रांच में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर ये जो जिगजैग पोर्शन आपको दिखाया गया है डायग्राम में, इस तरह का ये वेव पैटर्न जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को शो करने के लिए दिखाया गया है। यानी कि कार्डियक मसल्स जो हैं उनमें काफी सारी चीजें जो अलग हैं वो क्या हैं, एक तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा अपना जो कि इनिशिएट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को। तो जैसा कि इसका नाम ही है कार्डियक, तो ये कहाँ पाई जाएंगी, जो हमारा कार्डियक सिस्टम है यानी कि हमारे हार्ट में पाई जाएंगी। तो इसमें आपका आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन में क्रॉसली स्टीरेशन होता है, जो वेव्स हैं वो आपकी क्रॉसली डायग्नेटेड रहती है। न्यूक्लियस आपका सेंटर ऑफ सेल में मिलेगा आपको, पर्टिकुलर आपके जो सेल्स हैं वो ब्रांच्ड होंगे, इस तरह का कार्डियक मसल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि कार्डियक मसल भी आपके इच्छा में मतलब ऐच्छिक कार्यों में नहीं काम करती है, इसलिए ये भी रेगुलेट किया जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। अगर आप इसमें स्टीरेशन देखें तो स्टीरेशन जो है इसका वो डार्क बैंड्स के थ्रू शो किया गया है, ये जो क्रॉस स्टीरेशन है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर को जब हम डीप में देखते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें चेंज आती हैं, इलोंगेटेड होंगी यानी कि लंबी रहती हैं, ब्रांचिंग होगी इसमें सेल्स की, इरेगुलर होंगे काउंटर्स, और इरेगुलर काउंटर्स पे आपको जंक्शन देखने के लिए मिलेंगे जहां से आपकी दूसरी सेल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दो पाइप्स का जंक्शन हो रहा है, दो मसल्स का जंक्शन हो रहा है, और इस जंक्शन के बाद आपको एक नया सेल देखने को मिलेगा जिसका अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो हर एक जंक्शन के बाद आपको इस तरह की मसल्स देखने के लिए मिलती हैं, इस तरह के आपके सेल्स देखने के लिए मिलते हैं कार्डियक मसल्स के अंदर। बेसिकली अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि बाउंड्री एरिया जो है वो इंटरकैल्केटेड डिस्क की तरह होता है। कौन सा वाला, जो ये बाउंड्री एरिया है, ये एक डिस्क की तरह होगा, इस तरह की जैसे डिस्क होती है, यानी कि ये पूरा बाहर से डीअटैच्ड होगा। स्पेशली स्ट्रक्चर जो है इसका वो नर्व्स में इम्पल्स भेजने के लिए बना हुआ है, यानी कि जिसके थ्रू आपकी नसों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जा सकते हैं। और हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस है, किसी किसी सेल में दो हो सकते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस आपके जो है वो सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं। इस तरह से आपकी कार्डियक मसल्स हैं। और यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो आउटर कवरिंग है हार्ट की, उस आउटर कवरिंग की मसल्स को जब हम जूम करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरह का दिखने के बाद इसको जब आप और जूम करेंगे तो ये वो पाइप्स हैं जो पिछले वाले डायग्राम में हमने देखे, और यहाँ पे इंटरकैल्केटेड डिस्क हैं। इन दो डिस्क के बीच का जो इतना हिस्सा है ये आपका एक सेल है, इस एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंटरकैल्केटेड डिस्क है, ये इंटरकैल्केटेड डिस्क है, इस पूरे के बीच में आपका एक न्यूक्लियस होगा। इसी तरह कार्डिक मसल्स की जब हम बात कर रहे थे तो कार्डिक मसल्स कुछ इस तरह की होती हैं, और इसमें आपको वही सारी चीजें डायग्राम में देखने को मिल सकती हैं कि इंटरकैल्केटेड डिस्क हैं जिनके बीच में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये जो हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है रिदमिकली, इसकी जितनी मसल्स होती हैं वो एक ही रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, और लगभग एक दिन में अगर देखा जाए, लगभग पूरे दिन में अगर काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स आपकी ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं। तो इस तरह से हमारी कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के अराउंड, जो हार्ट की आउटर वॉल है उसको बनाती हैं, और इसी की वजह से आपका हार्ट जो है पंप कर पाता है और ब्लड को सर्कुलेट कर पाता है। अब इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उसको हम देखें तो पीछे भी इसका एक डायग्राम हम देख चुके थे। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कुछ इस टाइप का था, जिसने एसिटाइल कोलाइन को आपके मसल में भेजा था। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है ये क्या है, नर्वस सिस्टम जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके और मसल्स के बीच का जो प्रोसेस है, बीच का जो जंक्शन है उसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। अब इसको समझने के लिए हम कैसा समझ सकते हैं कि डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स के साथ ही अटैच्ड है, और हर एक स्केलेटल मसल फाइबर के साथ एक मोटर न्यूरॉन अटैच्ड रहता है जो उस मसल को एक्टिवेट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। सपोज कीजिए कि हमें
पर्टिकुलर लेग मसल्स पे काम करना है, हम उसके लिए स्क्वेट्स लगा रहे हैं कंटिन्यू, तो वॉलेंट्री हम इस पर्टिकुलर मसल के मूवमेंट के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर्टिकुलर मसल के मूवमेंट के लिए ये जो एक एसिटाइल कोलाइन प्रोड्यूस हुआ है और अंदर जाके ये सिग्नल देगा जिसके बेस पे हमारा थिन और थिक फिलामेंट एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये पूरा सिस्टम काम करेगा केवल इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एक्टिवेट होने पे। अगर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिवेट ही ना हो, यानी कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये एक्टिवेट ना हो और नीचे से एसिटाइल कोलाइन ना बन के मसल्स में ना जाए, तो हम चाह कर भी मसल्स को मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली हर एक स्केलेटल मसल जो है उसका फाइबर कनेक्टेड रहता है एक मोटर न्यूरॉन के साथ, और इन न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है उनके टर्मिनल के एंड पर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो सिनेप्स क्रिएट करता है मस्कुलर फाइबर को, सिनेप्स का आप में से किसी का माइक ऑन है, आई थिंक आप माइक ऑफ कर लीजिए। एक्सॉन्स हैं यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है इसमें जो आपके न्यूरॉन्स हैं इनकी जो एक्सियल लाइंस हैं इनके एंड पर आपको एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जो सिनेप्स क्रिएट करता है। सिनेप्स का बेसिक मीनिंग क्या है, वो मसल फाइबर के लिए एक सिग्नल जनरेट करना। ये एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करेगा जिसकी वजह से मसल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, ये मसल का जो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम है यहाँ पे जैसे ही एसिटाइल कोलाइन आएगा तो यहीं से डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पोल्स बनना, जो पोल्स बने हुए थे वो डीपोल होने लगते हैं और उसी के थ्रू फिर आपका ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिवेट होता है और मसल जो आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर पाती है। तो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या है, पहला है कि हर एक स्केलेटल मसल फाइबर में उसका मोटर न्यूरॉन इनर्वेटेड रहता है यानी उसके साथ अटैच रहता है। दूसरा जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे सिनेप्स जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि इस नर्वस सिस्टम के एक्सॉन या न्यूरॉन की वजह से होता है। हर एक मोटर न्यूरॉन जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर को एक्टिवेट कर सकता है और बहुत सारे मसल फाइबर्स को मोटर यूनिट की तरह एसिटाइल कोलाइन प्रोवाइड करा सकता है। जितने भी ये मोटर यूनिट रेडिएशंस हैं रेशन है उनको 1:150 यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि एक नर्व फाइबर जो है वो एक साथ 150 मसल्स को सप्लाई दे सकता है इस एसिटाइल कोलाइन की। ये जो बल्ब नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ से जो आप देख रहे हैं जो सिनेप्स जनरेट हुआ है, ये सिनेप्स एक साथ जितने ये माइक्रो फाइबर्स हैं आपके माइक्रो फिब्रिल्स हैं इन माइक्रो फाइबर्स के 150 काउंट्स को ये एक साथ एसिटाइल कोलाइन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि इसका रेशियो क्या है, और स्मॉलर रेशन जो है वो प्रिसेशन के समय पर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो आपको एग्जाम पर्पस में हेल्प करेगा। इसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरह से आपका सेक्रो ट्यूब्यूलर सिस्टम है। सेक्रो ट्यूब्यूलर सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनका एक ट्यूबुल्स का नेटवर्क होता है। जितने भी इसमें ट्यूब्स हैं ये जो हमने स्केलेटल मसल्स में अभी देखे थे, ये जो होल्स होल्स के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यानी कि इस तरह के जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स का जो एक जाल फैला हुआ है इसी को हम सेक्रो ट्यूब्यूलर सिस्टम बोलते हैं। अब इस सेक्रो ट्यूब्यूलर सिस्टम का अरेंजमेंट किस तरह का और ये काम क्या क्या करता है, तो इसको हम देख सकते हैं कि ट्यूब्यूल्स जो है वो मसल फाइबर में लोकेटेड होते हैं आउटसाइड पे। मसल फाइबर जो है जिस तरह का आपका ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है इसके बाहर आपको ये ट्यूबुल्स का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके अंदर सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट इसके बाहर रहता है और ट्रांसवर्स ट्यूब भी इसमें रहती है और कुछ टर्मिनल ट्यूब्स भी रहती हैं। ट्रांसवर्स और टर्मिनल का मतलब क्या है कि जो इन लेंथ के यानी माइक्रोफिब्रिल की लेंथ के साथ साथ जो चल रही है वो आपकी टर्मिनल हो गई उसी डायरेक्शन में जो है, और ट्रांसवर्स यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो है जो उसको इस तरह से कवर किए हुए हैं। तो इस तरह से सेक्रोट्यूबुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, पहला ये कि स्केलेटल मसल फाइबर है उसका एक नेटवर्क है जिसको हम सेक्रोट्यूबुलर सिस्टम बोलते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मसल फाइबर में लोकेटेड तो होते हैं लेकिन आउटसाइड ऑफ माइक्रोफिब्रिल यानी माइक्रोफिब्रिल के बाहर की तरफ, इनके अंदर नहीं होते, जबकि पीछे अभी आपने देखा स्मूथ मसल्स के अंदर ये
जो आपका ट्यूबुलर सिस्टम था वो मसल्स के अंदर ही अटैच्ड था। यहाँ पे दो ट्यूब्यूल्स के सेट होते हैं, एक ट्रांसवर्सली अरेंज होता है यानी कि राइट एंगल पे, जो अभी हमने देखा कि माइक्रोफिब्रिल अगर इस तरह से आ रहा है तो इसके साथ 90 डिग्री पे ट्रांसवर्स वाला अटैच्ड है, और सेम डायरेक्शन में जो अटैच्ड है वो आपका ये वाला जो सेक्रोलेमा है, सेम डायरेक्शन वाला जो है आपका वो ये वाला होगा। तो इस तरह से दो टाइप के ट्यूब सेट्स आपके सेक्रोट्यूबुलर सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके बाद का आपका टॉपिक आता है स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा मसल फाइबर का, एसिटाइल कोलाइन रिलीज करेगा सिनेप्स में, जिसके थ्रू Ca+2 रिलीज होगा। ये पूरा जो अभी हमने पीछे डायग्राम देखा है उसी को एक्सप्लेन किया गया है। Ca+2 रिलीज होगा, ये Ca+2 जो है एनफ आपके अंदर जितने सिग्नल्स चाहिए उनको जनरेट करेगा, सोडियम के चैनल्स को ओपन करेगा। उसके बाद एक एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होगा पूरे एक्टिन फाइबर में, यानी कि जो आपके थिन और थिक फाइबर्स थे उनमें, तब जाकर आपका टी ट्यूब्यूल, सेक्रोलेमा या सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इन सब से होते हुए ये एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा, और लास्ट में कॉलन स्ट्रेस डिस्ट्रॉय होके आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच करेंगी। तो इस तरह से लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पूरा सिस्टम है काम करता है। कैसे कैसे काम करता है, ये जो आपकी मसल है ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपके रिसेप्टर्स हैं बेसिकली एक तरह के। जब मसल में एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जितने भी Ca+2 हैं उनके चैनल्स को रिलीज करेगा। वो चैनल्स जैसे ही रिलीज होंगे तो वो आपके मसल में थिन और थिक फाइबर्स में अंदर जाएंगे। थिन और थिक फाइबर्स में ये Ca+2 जैसे ही अंदर जाएगा, तो अभी हमने अंदर डिटेल में देखा था कि जो ट्रोपोनिन था उस ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा Ca, और ट्रोपोनिन के साथ अटैच होकर ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देगा। जबकि जब ये सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस वक्त पे क्या है, यहाँ पर कैल्शियम के कोई भी आयन्स रिलीज नहीं है, कोई भी यहाँ पे सिनेप्स की वजह से आपको सिग्नल नहीं मिला है थिक और थिन फाइबर्स में। तो उस वक्त पे ये थिन फाइबर जो है ये इसका ट्रोपोनिन किसी भी मटेरियल के साथ कंबाइंड नहीं है और ये रिलैक्स्ड पोजिशन में होगा। जब ये रिलैक्स पोजीशन में है तो जो फाइबर का आउटर कवरिंग है आप देख रहे होंगे वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच्ड है, और जब एक्टिव है यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड है आपकी मसल तो उस वक्त पर मायोसिन के साथ साथ आपकी ये इन्वर्ट हो जाती है। जो फाइबर है फाइबर आपकी इन्वर्ट आ जाती है और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो आपकी आउटसाइड चली जाती है, क्योंकि इन्हीं पे आपका साइट अटैच होकर कैल्शियम के साथ तब ये कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से मसल रिलैक्शन में ट्रोपोनिन जो है उसकी पोजीशन मायोसिन बाइंडिंग के अंदर की तरफ होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन की जो बाइंडिंग है वो बाहर की तरफ होती है। ये चीज हमें मेन ध्यान रखने वाली है कि मायोसिन बाइंडिंग, क्योंकि मायोसिन जो है वो बाइंडिंग की स्थान है, बाइंडिंग की साइड्स है, तो जिस वक्त पे एक्टिवेटेड है मसल यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड है मसल आपकी, वॉलंटरी आपने एक्टिवेट करी हुई है, उस वक्त पर आपको जो बाइंडिंग साइट से वो बाहर की तरफ जानी पड़ेंगी, तभी तो वो बाइंड होगा और सिग्नल को अटैच करेगा। लेकिन जब मसल रिलैक्स है तो ये बाइंडिंग साइट जो है ये इनवर्ड होंगी। इस तरह से आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है।